हाय गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पटियाला का यूज करके आप प्लाजो कैसे बना सकते हैं हालांकि मैंने उसके टाइटल में मेंशन किया था कि सलवार या पटियाला से आप प्लाजो कैसे बना सकते हैं बट मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या हम प्लेन सलवार से प्लाजो बना सकते हैं जितना मैं समझ पाई हूँ उनके कहने का मतलब ये था कि चूंकि पटियाला में बहुत सारे प्लेट्स होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कपड़ा यूज होता है तो उससे तो प्लाजो बनाना आसान है बट क्या सिंपल सलवार जिसमें कि बहुत कम प्लेट्स होते हैं या न के बराबर प्लेट्स होते हैं क्या उनसे हम प्लाजो बना सकते हैं डेफिनेटली बना सकते हैं तो आज मेरे पास एक सिंपल सलवार है तो मैं इससे आपको प्लाजो बनाना सिखाऊंगी ये बहुत पुराना सलवार है मैंने इसको बहुत पहले ही पहनना छोड़ दिया था बट चूंकि अब लोगों ने मुझसे पूछा है कि सिंपल सलवार जिसमें की बहुत कम प्लीट्स हो क्या हम उससे बना सकते हैं तो मैंने सोचा मैं इसी को यूज करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे बना सकते हैं आप देख रहे हैं ने? इसमें न के बराबर बहुत छोटी छोटी सी बहुत थोड़ी सी प्लीट्स है और सेम इधर भी ऐसा ही अगर आप देख पा रहे होंगे बहुत कम प्लीट्स है बहुत कम ये सिंपल सलवार है तो आज की इस वीडियो में मैं इसी सिंपल सलवार से आपको प्लाजो बना के दिखाऊंगी ये बहुत पुराना सलवार है मेरा बट मैं इससे आपको बना के दिखाऊंगी ताकि अगर आपके पास आपकी कोई अच्छी सलवार पड़ी हो जिसमें प्लीट्स कम हो और अगर आप उससे प्लाजो बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ये रहा हमारा सलवार और सलवार में मेजर दो पोर्शन होते हैं एक तो ये बेल्ट वाला और दूसरा ये लेग का यहाँ पर एक सिलाई लगी होती है सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है इस सिलाई को खोल लेना है आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं यहाँ से बट खोलना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर इसकी स्टिचिंग बहुत मजबूत नहीं है आसानी से खुल सकती है तो खोलना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि खोलने से कपड़ा वेस्ट नहीं होता है अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो थोड़ा सा कपड़ा जो हमारी सिलाई में मार्जिन के रूप में काम करेगा वो कपड़ा हमारा वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ से इसे खोल रही हूँ मेरा आसानी से खुल रहा था तो देखिए इस तरीके से आसानी से खोल लीजिए मैंने बहुत सावधानी से खोला था क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी सलवार थी तो फटने का डर रहता है तो बहुत सावधानी से इसको खोल के अलग कर लीजिए इससे आपका बेल्ट अलग हो जाएगा लेग वाले पोर्शन से नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है सलवार में नीचे की तरफ जो मोहरी होती है इसे कट करके हटा लीजिए इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है तो आप इस पीस को डिस्कार्ड कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं इस मोहरी को दोनों ही पैरों से मोहरी को कट करके हटा रही हूँ ठीक इसी तरीके से आप भी इसको कट कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है दोनों लेग को अटैच करने के लिए सेंटर पे एक सिलाई लगी हुई है सलवार में तो इस सिलाई को खोल लीजिए इस सिलाई को खोलने से हमारे लेग का जो दोनों पोर्शन है मीन्स दोनों लेग हमारे अलग अलग हो जाए

करने में आसानी हो तो चलिए मैं प्रेस करके आपसे मिलती हूँ और ये हो गया हमारा फैब्रिक प्रेस थोड़ा सीधा हो गया है अब हम इसे आसानी से कट कर सकते हैं सबसे पहले मैं क्या करूँगी इसे डबल फोल्ड कर लेती हूँ दोनों लेग के पोर्शन को एक दूसरे के ऊपर रख के इसको मैं सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेती हूँ ये देखिए ये वाला जो आ, एज है ना ये हमारा मोहरी वाला पोर्शन था पहले और ये जो ऊपर का पोर्शन है ये पहले हमारे बेल्ट में अटैच था यहाँ पे प्लीट्स थी बट जब हम प्लाजो बनाएंगे तो ये जो ऊपर का पोर्शन था ये हमारा बॉटम बन जाएगा और जो पहले हमारा मोहरी का पोर्शन था वो हमारा ऊपर जाके बेल्ट में अटैच हो जाएगा इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जो ऊपर वाला है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे वाला है वो ऊपर चला आएगा इसको डबल फोल्ड करके मैंने कर दिया साइड और उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर बेल्ट बेल्ट के पोर्शन को भी आप सबसे पहले डबल फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद आ, ये जो लेग का पोर्शन है आपको इसके साथ प्लेस करना है कुछ इस तरीके से देखिए ठीक जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना ठीक इसी तरीके से आप भी एक दूसरे के साथ इसको प्लेस कीजिएगा ध्यान दीजिएगा मैंने मोहरी वाले पोर्शन को अभी ऊपर बेल्ट के पास टच किया है और जो पहले ऊपर बेल्ट से अटैच था पोर्शन वो नीचे की तरफ है आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो बेल्ट से थोड़ी चौड़ाई कम है इस वाले सिरे की जो हमें अटैच करना है बेल्ट के पास जो बेल्ट के साथ लगा है लेग वाला पोर्शन तो इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी सबसे पहले आप यहाँ पर लेंथ मेज़र कर लीजिए इस स्टेज पर ये मैंने एक लिया है अपना पुराना प्लाजो और इससे मैं कर रही हूँ मेरा लेंथ मेजर जो कि बिल्कुल परफेक्ट है अभी तक लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेंथ मेरा बिल्कुल सेम है अब इस प्लाजो को करते हैं साइड और सबसे पहले करते हैं कटिंग कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा नीचे से जो लेग का पोर्शन है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल कीजिए जिससे कि की बेल्ट के पास की चौड़ाई और ये जो लेग वाला पोर्शन है ना इसकी चौड़ाई बिल्कुल मैच हो जाए ताकि हम इसे बाद में स्टिच कर सके छोटे बड़े पोर्शन को तो हम स्टिच कर नहीं पाएंगे ना हमें दोनों साइड की जो चौड़ाई है वो इक्वल लेनी पड़ेगी अगर हमें दोनों को स्टिच करना है तो ऊपर से मैंने फैब्रिक कट करके साइड कर दिया और देखिए नीचे से थोड़ी लेंथ कम हो गई है कोई बात नहीं इसको हम आगे कंपनसेट कर लेंगे सबसे पहले हम साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेते हैं इसीलिए मैंने इस प्लाजो के ऊपर अपना एक पुराना प्लाजो रखा है आप भी इसी तरीके से अपने कपड़े के ऊपर एक अपना पुराना प्लाजो डबल फोल्ड करके प्लेस कर लीजिएगा और साइड से कटिंग कर लीजिएगा कटिंग करते वक्त ध्यान रखिएगा स्ट्रेट वाला जो साइड है ना वो दोनों का ही एक साथ रखिएगा और जो ट्रांगुलर पीस वाला साइड है वो दूसरी तरफ रखिएगा दोनों ही का ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो और कपड़ा सही कटे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से निकल रहा है इसी को हम यूज़ करेंगे नीचे जो लेंथ हमारा कम रह गया है उसको कंपनसेट करने में आप अपने हिसाब से अगर आपको इसमें ज़्यादा घेरा चाहिए तो आप थोड़ा सा और मार्जिन रखते हुए साइड से कट कर सकती थी बट मुझे इतना ही चाहिए था इसलिए मैंने पूरा ही फैब्रिक कट कर लिया है अब हम इसको ध्यान से देखिएगा तो इसमें चार टुकड़ा निकला होगा कपड़े का जो थोड़ा सा आड़ा तिरछा है इसको हम ठीक करके इन चारों पीसेस से नीचे लेंथ को कंपेंसेट करेंगे वो कैसे करेंगे इस वाले केस में मैं यहाँ पर एक फ्रिल डिज़ाइन बना रही हूँ नीचे प्लाजो में उसके लिए सबसे पहले आप नीचे में ऐसे कपड़े को प्लेस कर लीजिए और एक रेक्टेंगुलर पीस इसमें से कट कर लीजिए जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ठीक इसी तरीके से आप इसमें से एक रेक्टेंगुलर पीस सबसे पहले कट कर लीजिए अब हमारे पास चार रेक्टेंगुलर पीसेस हैं सबसे पहले आपको क्या करना है दो दो पीस को एक साथ रखते हुए दोनों को सेंटर से इस तरीके से ऐड कर दीजिए जिससे कि आपके पास एक लंबा रेक्टेंगुलर पीस बन जाए और उसके बाद किसी एक किनारे पे शुरू से लेके अंत तक डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दीजिए ये हमारे एंकल के पास जाएगा इसी तरीके से आप बाकी के बचे हुए दो पीसेस को भी इकट्ठा करके एक तरफ से सिलाई लगा लीजिए इसके बाद आपको क्या करना है दूसरे सिरे पे हल्का हल्का फ्रिल बनाना है एक खूबसूरत सा फ्रिल बहुत ज़्यादा फ्रिल भी नहीं फ्रिल बनाते समय यह ध्यान रखिएगा कि कपड़ा बहुत ज़्यादा छोटा ना हो जाए क्योंकि अभी हमें इसे ले जाकर हमारे लेग वाले पोर्शन में नीचे में अटैच करना है मोहरी के पास जहाँ हमारी मोहरी थी वहाँ हम इसे अटैच करेंगे तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि फैब्रिक बहुत ज़्यादा छोटा ना हो जाए अदरवाइज ऐड करने में प्रॉब्लम होगी और ये देखिए सेंटर से अटैच कर लिया सबसे पहले और उसके बाद एक तरफ से सिलाई लगा ली डबल फोल्ड करते हुए इसके बाद दूसरी तरफ से फ्रिल भी बना लिया और ये हो गया हमारा रेडी दो फ्रिल जिसे हम अटैच करेंगे हमारे एंकल के पास चलिए अब देखते हैं कि स्टिचिंग करने कैसे के दोनों पोर्शन में फ्रिल्स को अटैच कर दीजिए नीचे के साइड में नीचे का साइड वो साइड है जो पहले हमारे बेल्ट से अटैच था इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो पहले बेल्ट से अटैच था वो अब हमारे नीचे बॉटम का साइड बन गया है तो बॉटम साइड में जाके आपको इसे अटैच कर देना है लेग वाले दोनों पोर्शन में इसी तरीके से ये देखिए मेरा दोनों अटैच हो गया इसके बाद इन दोनों पोर्शन को आप एक दूसरे के ऊपर प्लेस कीजिए कुछ इस तरीके से ये रहा हमारा लेग का दोनों पोर्शन इसको एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस कीजिए कि पहले जो मैंने फैब्रिक रखा है इसका सीधा साइड ऊपर की तरफ है और अब जो मैं फैब्रिक रख रही हूँ इसका सीधा साइड नीचे की तरफ है मीन दोनों सीधा साइड अंदर की तरफ चला गया और ऊपर की तरफ से उल्टा साइड आया है ये दोनों सीधा साइड था जो अंदर चला गया अब अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो ऊपर की तरफ दोनों साइड में कपड़ा आपको थोड़ा टेढ़ा कटा हुआ दिख रहा है इस दोनों साइड में से किसी एक साइड पे आप एक सिलाई लगा लीजिए जिससे कि हमारा लेग का जो दोनों पोर्शन है ना वो अटैच हो जाएगा अब यहाँ से यहाँ तक ये एक फैब्रिक बन गए देखिए इस तरीके से ये मैंने अटैच कर लिया यहाँ से यहाँ तक अब लीजिए बेल्ट वाला पोर्शन और देखिए यहाँ पे सेंटर पे जहाँ से डोरी लगती है ना वहाँ पर एक सिलाई होगी उस सिलाई को खोलते हुए इसे पूरा खोल लीजिए एक स्ट्रेट फैब्रिक बन जाएगा ये और इसके बाद अब हम इस बेल्ट को अटैच कर देंगे हमारे लेग वाले पोर्शन में उसे अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले लेग वाले पोर्शन का सीधा साइड ऊपर की तरफ रखिए और जो बेल्ट का हमारा पोर्शन है उसे इसके ऊपर प्लेस कीजिए और उसका सीधा साइड अंदर की तरफ रखिए दोनों सीधा साइड फिर से अंदर की तरफ हो गया और स्ट्रेट एक साइड से लेके कर दूसरे साइड तक सिलाई लगा दीजिए जिससे कि हमारा बेल्ट अटैच हो जाएगा हमारे लेग वाले पोर्शन के साथ ठीक इसी तरीके से जैसे मैं आपको यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ ये हो गया हमारा बेल्ट अटैच इसको ऊपर की तरफ खोलिए दिख रहा है कि बेल्ट अटैच हो गया हमारे लेग वाले पोर्शन से अब आपको क्या करना है लेफ्ट साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके सेंटर पर लेकर आइए और राइट साइड से भी फैब्रिक को फोल्ड करके सेंटर पर लेकर आइए इससे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो पैर बन गए अब बस आपको इसकी स्टिचिंग कर लेनी है तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर बेल्ट के पास जो एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है ना इसकी स्टिचिंग करनी होगी बेल्ट के टॉप से लेके और नीचे यहाँ पर एक जो टीढ़ा कटा हुआ फैब्रिक था ना उसके एंड तक डोरी वाले एरिया को छोड़ दीजिएगा अदरवाइज डोरी बंद हो जाएगा तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक स्ट्रेट सिलाई लगा लीजिए और ये देखिए हो गया हमारा रेडी इसके बाद अब आपको क्या करना है दोनों पैरों को सिलना है तो दोनों पैरों को सिलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है किसी भी एक पैर के एंड से शुरू कीजिए एंकल वाले एरिया से वहाँ से शुरू करके सेंटर तक आइए सिलाई लगाते हुए और सेंटर से सिलाई लगाते हुए फिर दूसरे पैर के एंकल तक चले आइए मीन्स बॉटम तक चले आइए ठीक इसी तरीके से यू बनाते हुए सिलाई कर लीजिए आपका दोनों पैर भी स्टिच हो जाएगा जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप इसकी सिलाई कर लीजिएगा आपका ये प्लाजो रेडी हो गया और ये देखिए उल्टे साइड से हमारा प्लाजो रेडी है मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ और ये देखिए हो गया हमारा प्लाजो रेडी और आज के लिए फ्रिल्स वाले प्लाजो बहुत ट्रेंड में है आप इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए और क्या कर सकते हैं जहाँ पर हमने ये फ्रिल ऐड किया है ना वहाँ पर सिलाई को छिपाने के लिए आप चाहे तो कोई लैश या कोई बॉर्डर या गोटा पत्ती आजकल बहुत ट्रेंड में वो कुछ ऐड कर सकते हैं अपने कुर्ते से मैच करते हुए उससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके इसको और भी खूबसूरत डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड करके अपने पुराने वाले प्लाजो से आ, मैच करके आपको दिखा रही हूँ कि दोनों का जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल है लेंथ में ये कहीं से कम नहीं हुआ है आपको ये प्लाज़ो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कोई और री प्रोजेक्ट अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं आपके साथ उसे ज़रूर शेयर करूंगी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि तो किसी सिंपल सलवार से जिसमें बहुत कम प्लीट्स होते हैं उससे भी आप प्लाजो आसानी से और बहुत खूबसूरती से बना सकते हो और आपका प्लाजो आप बहुत खूबसूरत बनेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को भर भर के लाइक कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं मेरे और वीडियोज आपको पसंद आते हैं मेरे ब्लॉग्स मेरे डीआईवाइज आपको पसंद आते हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में जो बेल का बटन है उसको टिंग 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 करके हिट कर दीजिएगा जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रह मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो मैं मिलती हूँ आपसे किस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय खूब खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए बाय